Today we will be starting application of differential equations. So practical problems जो होते हैं उनको study करने के लिए उनको analyze करने के लिए differential equations को use किया जाता है. So सबसे पहला practical application जो अपन 12th standard पे देख सकते हैं 12th के level पे देख सकते हैं that is population growth. Population growth. देखो इसको समझने की कोशिश करो. लेट्स से एक टाउन है और उस टाउन की करंट पॉपुलेशन पी है. तो यूजुअली क्या होता है कि इस टाउन की पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि अभी कितनी पॉपुलेशन है. मतलब किसी टाउन की पॉपुलेशन मान लो 100 है 100 लोग है या 100 बैक्टीरिया है वहाँ पे. तो टाइम के साथ पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होगी जो इंक्रीमेंट होगी वो डिपेंड करती है कि अभी कितनी पॉपुलेशन है. किसी की 10,000 है तो उसका रेट बहुत फास्ट होगा. किसी की 100 है तो उसका जो रेट है इंक्रीज वो धीमा होगा. सो दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना. चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन चेंज इन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन. ओके बहुत सारे सिनारियोज में ऐसे होता है. ठीक है और ये सिंप्लीफाइड अजम्पशन है जिसके बेसिस पे हम लोग इसके सम समझ सकते हैं. मे बी ऐसा कोई टाउन हो कि जिसमें ये रिलेशन ना होल्ड करे. ये पी स्क्वायर भी हो सकता है रूट पी भी आ सकता है इट कैन बी एनीथिंग. बट हमारे मैक्सिमम सम्स जो है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे. ठीक है इसके बाद क्या करना है कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज के इंटू पी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. नाउ पॉपुलेशन पॉजिटिवली चेंज हो रही है. देखो डी टी ये टाइम में इंक्रीमेंट है. मतलब मान लो इसका जो डी टी का जो मेशर है वो ऐसा हो सकता है कि एक दिन वन डे. डी पी आएगा मान लो 10 लोग या 10 बैक्टीरिया बढ़ गए एक दिन में. तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव है ही. करेंट पॉपुलेशन अभी इसकी पॉपुलेशन कितनी है. तो ओवरऑल ये पॉजिटिव 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 तो के भी क्या होगा पॉजिटिव. जब कभी कोई चीज़ इंक्रीज होती है डी पी बाई डी टी इट इज़ इंक्रीमेंट तो ये क्या होगा के भी पॉजिटिव होगा. जब कभी हम लोग देखेंगे डिक्रीमेंट होता है रेडियो एक्टिव डीके होता है तब ये के नेगेटिव होगा. एनीवेज अभी आप याद रखो कि दैट के इज पॉजिटिव. व्हाई इट इज पॉजिटिव बिकॉज चेंज इज पॉजिटिव दिस चेंज इज पॉजिटिव पॉपुलेशन इज पॉजिटिव. ऐसा नहीं बोलते ना कि पॉपुलेशन माइनस 100 है तो पॉपुलेशन हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही बोलते हैं. सो के इज पॉजिटिव. इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे 1/PDP इज इक्वल टू के डी टी और फिर इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट इंटीग्रेट प्लस सी. सो यहाँ पे आ जाएगा लॉग पी इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी. तो पी को लिखा जा सकता है ई रेज टू के इंटू टी प्लस सी विच इज ई रेज टू सी इंटू ई रेज टू के टी. फाइन तो ये हमको रिलेशन मिल गई कि भाई किसी भी टाइम पे आपको पॉपुलेशन चाहिए तो आप इस फॉर्मूले में टी को उस टाइम को पुटअप करो और आपको पी का वैल्यू मिल जाएगा. पॉपुलेशन उस टाउन की करंट पॉपुलेशन मिल जाएगी या उस टाइम इंस्टेंट पे पॉपुलेशन मिल जाएगी. नाउ द थिंग इज कि ये टाइम टी क्या है. ये टाइम टी है मान लो आपने इस टाउन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. तो जब ऑब्जर्व करना टाइम स्टार्ट किया तब टाइम ज़ीरो था. ये हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि एट दैट टाइम टी इज़ ज़ीरो. मान लो मुझे एक साल के लिए इस पॉपुलेशन को स्टडी करना है फिर मैं टी इज़ इक्वल टू 1 पुटअप करके देखूंगा कि अब इसकी पॉपुलेशन कितनी है. तो टी इज़ इक्वल टू 0 पे इसकी कुछ पॉपुलेशन थी. ऐसा नहीं है ना कि जब टाइम जब आपने ऑब्जर्व करना उसको स्टार्ट किया तो उसकी पॉपुलेशन ज़ीरो थी. जब आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया दैट टाइम इज़ नोन एज ज़ीरो. टाइम इज़ इक्वल टू 0. टी इज़ इक्वल टू 0 मतलब टाइम एट विच ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स. और जब टी इज इक्वल टू 0 होता है जब ऑब्जर्व करना उस टाउन को हम लोग स्टार्ट करते हैं तब उसकी इनिशियल पॉपुलेशन हम लोग बोलते हैं पी ज़ीरो. पी ज़ीरो इज द इनिशियल पॉपुलेशन. तो पी ज़ीरो इज इनिशियल पॉपुलेशन. तो ये याद रखना है आपको टी इज इक्वल टू 0 मतलब ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट हुई उस टाउन की.
जब स्टार्ट हुई ऑब्जर्वेशन तो उसकी कुछ पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन को हम लोग लिखेंगे पी ज़ीरो एंड दैट इज़ इनिशियल पॉपुलेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पी का वैल्यू पी ज़ीरो पुटअप करेंगे इनिशियल पॉपुलेशन, और यहाँ पे आएगा ई रेस टू सी इंटू ई रेस टू टी को ज़ीरो पुट किया तो यहाँ पे ई रेस टू ज़ीरो आ जाएगा। ई रेस टू ज़ीरो वन होता है तो ई रेस टू सी क्या होगा, पी ज़ीरो के बराबर। ई रेस टू सी इज़ इनिशियल पॉपुलेशन, पी ज़ीरो मतलब इनिशियल पॉपुलेशन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू पी ज़ीरो ई रेस टू के टी। वॉट इज पी ज़ीरो, पी ज़ीरो इज द इनिशियल पॉपुलेशन वेन टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो। फाइन, अब हम लोग डायरेक्टली इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे आते हैं। जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम, देर आर मेनी वर्ड प्रॉब्लम्स इन इट, उसको देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजिंग एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। ये पहला सेंटेंस क्या है, वही है जो हमने डिराइव करते वक्त लिखा था कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजिंग एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू, रेट मतलब डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे डी पी बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन एट दैट टाइम। मतलब ये पी ये दिया हुआ है और इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या है, पी इज इक्वल टू पी ज़ीरो ई रेज टू के टी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन 40 ईयर्स, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स। फिर हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन पी इज इक्वल टू पी ज़ीरो ई रेज टू के टी। नाउ पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 से वो बनी 60,000 पे इन 40 ईयर्स, टाइम है 40 ईयर्स। तो अगर मान लो टी इज इक्वल टू ज़ीरो, स्टार्टिंग टाइम ये पकड़ा जाए, तो जब 60,000 उसकी पॉपुलेशन बनी तब टाइम कितना बीत चुका, 40 ईयर्स। समझ में आ रहा है, ऐसे हमको यूज़ करना है टी इज इक्वल टू ज़ीरो को कि स्टार्टिंग में उसकी पॉपुलेशन क्या है। तो जब स्टार्टिंग मतलब टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ से देखना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो तब उसकी पॉपुलेशन 40,000 थी। मतलब ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पी ज़ीरो, टाइम ज़ीरो तब पॉपुलेशन पी ज़ीरो, और जब 60,000 बनी तब टाइम लगा 40 ईयर्स। तो उन्होंने ये बोला है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स, इसके और 20 साल ऐड करने पे कितनी पॉपुलेशन है। तो हमको पॉपुलेशन डिराइव करनी है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो से 40 तक पहुँचे तो 60,000 थी, और 20 ईयर्स अगर आप 40 में और 20 ऐड करोगे, मतलब 60 ईयर्स टोटल हो जाने के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, इसमें ये भी दिया हुआ है कि रूट ऑफ 3/2 का वैल्यू, इट इज़ 1.2247 दिस इज़ गिवन टू अस। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखो पी ज़ीरो का तो वैल्यू आ गया, पी ज़ीरो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, पी इज इक्वल टू 40,000 ई रेज टू के टी। फिर हम लोग ये डेटा पुटअप करेंगे, पॉपुलेशन 60,000 है जब टाइम 40 ईयर्स है, तो पॉपुलेशन का वैल्यू पुट करो 60,000 जब टाइम लगा 40 ईयर्स, के इंटू 40 ये आ जाएगा। यहाँ पे जीरोस कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सो यहाँ पे आएगा 3/2, 6/4 आ जाएगा, दैट इज 3/2 इज ई रेज टू 40 के। ओके, ये आ गया, इसको हम लोग करेंगे बॉक्स में लिखेंगे इसको। ठीक है, अब हमको निकालनी है पॉपुलेशन जब टाइम है 60 ईयर्स, तो पॉपुलेशन निकालनी है जब टाइम है 60 ईयर्स, तो इधर 60 पुटअप करेंगे और पी वैल्यू निकालेंगे, पी की वैल्यू। तो पी हमको निकालना है, पी ज़ीरो हमारे पास है, इट इज़ 40,000 ई रेज टू के इंटू टी, टाइम है 60 ईयर्स, तो यहाँ पे आएगा इंटू 60, दिस इज 40,000 ई रेज टू 60 के। नाउ सी, वी हैव ई रेज टू 40 के एज 3/2 एंड ई रेज टू 60 के हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो पहले हम लोग इसका स्क्वेयर रूट लेंगे, इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू ई रेज टू, स्क्वेयर रूट मतलब पावर हाफ होती है, पावर हाफ करोगे तो यहाँ पे 20K आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे 20 आ गया बट चाहिए 60K, तो हम लोग अब इसका क्यूब कर देंगे। तो इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ 3/2
द होल क्यूब इज इक्वल टू ई रेस टू 60 के, ये आ गया देखो ई रेस टू 60 के का वैल्यू रूट 3/2 का क्यूब। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 40,000 इंटू रूट 3/2 का क्यूब, तो ये आएगा रूट ऑफ 3/2 इंटू रूट ऑफ 3/2 इंटू रूट ऑफ 3/2। सो दिस इज 40,000, ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा इंटू 3/2 इंटू रूट ऑफ 3/2, रूट ऑफ 3/2 का वैल्यू इसमें दिया है 1.2247। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, तो यहाँ पे आएगा 20,000 इंटू 3 इंटू 1.2247 विच इज 60,000 इंटू 1.2247, और इसको मल्टीप्लाई अगर आप करके देखो दिस इज 73482 सेकेंड सॉल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, सेम यही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ़ द ओरिजिनल नंबर एन डबल्स इन 3 आवर्स, फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 4n। तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन के बारे में अगेन दिया हुआ है कि p इज इक्वल टू p0 e रेज टू kt। इफ द ओरिजिनल नंबर n, ओरिजिनल नंबर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओरिजिनल नंबर मतलब स्टार्टिंग का पॉपुलेशन, ये हमको n दिया हुआ है, तो p इज इक्वल टू n इंटू ई रेज टू kt, ये बन गया। इफ द ओरिजिनल नंबर n डबल्स इन 3 आवर्स, इसकी पॉपुलेशन डबल हो गई, स्टार्टिंग में n थी अब हो गई 2n, डबल हो गई कितने टाइम के बाद, 3 घंटे के बाद, तो t को 3 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3k, एन एन विल कैंसिल आउट, विल गेट 2 इज इक्वल टू ई रेज टू 3k। फिर हमको ये बताना है फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों के बाद उसकी जो पॉपुलेशन है वो 4n होगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन का वैल्यू हम लोग इसमें 4n पुटअप करेंगे, 4n इज इक्वल टू यहाँ पे n है ई रेज टू के टी, एन एन कैंसिल आउट होगा, विल गेट 4 इज इक्वल टू ई रेज टू के टी। हमको ये टाइम t निकालना है इसको यूज़ करके, अब यहाँ पे देखो 2 है यहाँ पे 4 है, तो हम लोग अगर इसका स्क्वायर करें तो यहाँ पे आएगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4 ई रेज टू 3k का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू ई रेज टू 6k। अब इन दोनों को कंपेयर करो 4 4, तो इनका राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए, ई रेज टू के टी इज इक्वल टू ई रेज टू 6k, तो के टी इज इक्वल टू 6k, के के विल कैंसिल आउट, टी इज इक्वल टू 6। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.6 पे, जितने भी पॉपुलेशन के सम्स है वो सारे करेंगे हम लोग। इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। ये सब में आप कॉमन सेंटेंस देखोगे, इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट, अभी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रेट ऑफ ग्रोथ है। उसके बाद ये दिया हुआ है कि इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, इनिशियल पॉपुलेशन p0 है वो डबल हो गई, मतलब 2p0 हो गई, कितने में, 4 घंटे में, टी का वैल्यू हम लोग 4 पुटअप करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स, तो टी का वैल्यू हम लोग 12 घंटे पुटअप करेंगे, तो पॉपुलेशन क्या होगी, पी इज इक्वल टू p0 ई रेज टू 12k। यहाँ पे देखो p0 कैंसिल आउट हो गया, 2 इज इक्वल टू ई रेज टू 4k, ठीक है। देखो अब ई रेज टू 12k यहाँ पे है, यहाँ पे ई रेज टू 4k आ गया, तो हम लोग अगर क्यूब कर दें इसका तो 2³ इज इक्वल टू ई रेज टू 4k द होल क्यूब, ये आएगा 8 इज इक्वल टू ई रेज टू 12k, तो ई रेज टू 12k का वैल्यू 8, यहाँ पे पुट अप करते हैं पी इज इक्वल टू p0 इंटू 8, या पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स, स्टार्टिंग के पॉपुलेशन से 8 मल्टीप्लाई करो तो 8 टाइम्स पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कि 12 घंटों में इट विल गेट मल्टीप्लाइड 8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 2, सो इट्स गिवन दैट इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल, अंडर द अजम्पशन दैट रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स, लॉग ऑफ 2 इज 0.691 टू लॉग ऑफ 3 इज 1.0986, ये दिया हुआ है।
सो नाउ इफ द पॉपुलेशन डबल्स इन 60 ईयर्स, तो अगेन पी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे पी जीरो ई रेज टू के टी. पॉपुलेशन डबल हो गई, टू पी जीरो बन गई 60 ईयर्स में, तो 60 के आ जाएगा यहाँ पे. पी जीरो कैंसिल आउट होगा, टू इज इक्वल टू ई रेज टू 60 के. हमेशा ऐसा होगा कि ये रिलेशन आपको मिलेगी के वाली, उसको आपको नोट करके रख देना है. अब आगे वो लोग कुछ तो पूछेंगे आपको, जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल, ट्रिपल कितने सालों में होगी, तो 3P0 होगी कितने सालों में ये हमको बताना है. इनिशियल P0 है और ये 3P0 ट्रिपल होनी चाहिए. P0 कैंसिल आउट, सो 3 इज इक्वल टू ई रेज टू के टी, ये आ जाएगा. तो ई रेज टू 60 के 2 है और ई रेज टू के टी 3 है, हमको ये टी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे, तो लॉग 2 आएगा 60 के, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ ई, क्योंकि जब आपने लॉग लिया है इसका तो 60 के एक्सपोनेंट में है, एक्सपोनेंट आगे निकल के आ जाएगा, यहाँ पे लॉग ही आ जाएगा, एंड लॉग ही कितना होता है, 1 होता है. सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, लॉग 3 इज के टी, ये आ जाएगा. अब इन दोनों का हम लोग रेशो लेंगे, तो लॉग 2 बाय लॉग 3 इज इक्वल टू 60 के बाय के टी. के कैंसिल आउट होगा एंड यूल गेट लॉग 2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो लॉग 2 इज 0.6912 डिवाइडेड बाय 1.0986 इज इक्वल टू के विल कैंसिल आउट, यू गेट 60 अपॉन टी. और यहाँ से हमारा टी का वैल्यू आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 60 इंटू 1.0986 बाय 0.6912. अप्रॉक्सीमेटली करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, 60 इंटू 1.1 बाय 0.7 और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे. और अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको यहाँ पे लॉगरिथम यूज़ करना पड़ेगा. ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करने के लिए लॉगरिथम यूज़ करना पड़ेगा, बट अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, इसको बस सॉल्व करना होगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 इंटू 11 बाय 7 और ये ईजी है कैलकुलेट करना. नेक्स्ट ये फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, इफ इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया एंड नंबर डबल्स इन 1 आवर, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स. सो इसमें ये दिया हुआ है, रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, पी इज इक्वल टू पी जीरो ई रेज टू के टी. नाउ इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया, तो इनिशियली देयर आर 1000 बैक्टीरिया, ये रिलेशन ऐसे दिखेगी. एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर, एक घंटे में नंबर जो है वो डबल हो गया, तो 1000 था तो 2000 बन गया एक घंटे के बाद. टी का वैल्यू 1 हमने पुटअप कर दिया, ये 1000 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इज इक्वल टू ई रेज टू के, ये आ जाएगा. फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स, तो पॉपुलेशन हमको निकालनी है, पॉपुलेशन का ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, आफ्टर 2.5 आवर्स. अभी 2.5 क्या होता है, 2.5 आवर्स मतलब 2 प्लस हाफ विच इज़ 5/2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, 5/2, तो यहाँ पे आएगा 5/2 आवर्स के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी है, ये हमको बताना है. फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी पी इज इक्वल टू 1000 ई रेज टू, नाउ के एंड 2.5, 2.5 को वैसे ही रखते हैं, 2 प्लस हाफ करके रख देते हैं, ये 5/2 नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे, तो यहाँ पे आएगा 1000 ई रेज टू के इंटू 2 इंटू ई रेज टू के इंटू हाफ. हमने क्या कर दिया, के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ई के पावर में 2 टर्म्स है तो उसको सेपरेट कर दिया. कौन सा लॉ हमने यहाँ पे लगाया, हमने ये वाला लॉ लगाया, ए रेज टू एम प्लस एन, इट कैन बी रिटन एज ए रेज टू एम ए रेज टू एन. तो बेस दोनों में सेपरेट होगा, पावर भी सेपरेट हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज 1000 इंटू ई रेज टू 2k. देखो ई रेज टू के अगर 2 है तो इसका स्क्वायर लगाओ, 4 इज इक्वल टू ई रेज टू 2k, तो ई रेज टू 2k का वैल्यू 4 है. ये देखो ई रेज टू 2k, उसका वैल्यू 4 है और यहाँ पे ई रेज टू k बाय 2 है. आप क्या करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे रूट 2 आएगा और यहाँ पे आएगा ई रेज टू k बाय 2.
तो ई रेस टू के बाई टू यहाँ पे है, उसका वैल्यू रूट टू है, वो हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देंगे। सो दिस इज 1000 इंटू फोर इंटू रूट टू, एंड रूट टू का वैल्यू हमको लेना है 1.414। सो 1000 इंटू 4 4 16 5 4 4 16 5, और फिर यहाँ पे आएगा 5 6 5 6। ये पॉपुलेशन होगी आफ्टर 2.5 आवर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी। गिवन दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट एंड इन अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 30,000 टू 40,000। 30,000 क्या होना चाहिए? पी जीरो इनिशियल पॉपुलेशन। 40,000 40 ईयर्स के बाद की पॉपुलेशन है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी, बस फॉर्मूला निकालना है, बहुत ईजी सम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं आप। 7 में क्या दिया हुआ है? पॉपुलेशन ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट पॉपुलेशन, तो ये इक्वेशन बनेगी। उसके बाद हमने ये दिया हुआ है इनिशियल पॉपुलेशन 30,000 हमको लेनी है, और पॉपुलेशन पहुंच रही है 40,000 पे इन 40 इयर्स। तो ये रिलेशन आएगी, तो यहाँ पे ये सब कैंसिल आउट होगा, तो 4/3 का वैल्यू आएगा ई रेस टू 40 के बराबर। तो हमको पॉपुलेशन निकालनी है किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे, तो पी इज इक्वल टू पी जीरो ई रेस टू के टी। ये एक रिलेशन, ये एक रिलेशन। हमको ये फॉर्मूले में अब के नहीं दिखना चाहिए, ई रेस टू के वाला टर्म हमको एलिमिनेट करना है। हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको समझो, हम लोग 40th रूट लेंगे, तो 4/3 रेस टू 1/40 इज इक्वल टू ई रेस टू के आ जाएगा, 40th रूट लिया। बट यहाँ पे ई रेस टू के टी है, तो हम इसका पावर रेस करेंगे टी पे, तो 4/3 रेस टू 1/40 की पावर टी इज इक्वल टू ई रेस टू के टी। तो ई रेस टू के टी का वैल्यू क्या आ रहा है फाइनली? ई रेस टू के टी इज ई रेस टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई रेस टू के टी का वैल्यू क्या आ रहा है, 4/3 के पावर में जाएगा टी, और 1/40 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये पावर के दो टर्म्स हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो टी बाय 40, दैट्स इट। ये हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे इसमें, तो पी का वैल्यू आएगा पी जीरो, पी जीरो इनिशियल पॉपुलेशन है 30,000 इंटू ई रेस टू के टी, सो दैट इज 30,000 ई रेस टू के टी। ऑलरेडी हमने निकाला आप नीचे ई रेस टू के टी क्या है, देख ई रेस टू के टी इज 4/3 रेस टू टी बाय 40, तो 4/3 रेस टू टी बाय 40 ये आंसर है इसका। तो दैट्स इट, यहाँ पे पॉपुलेशन के सारे सम्स खत्म होते हैं, सॉल्व अनसॉल्व। हर एक सम को समझो, बिना देखे उसकी प्रैक्टिस करो। आने वाले लेक्चर्स में बाकी केस के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, बाकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो देखेंगे।